और शिमला में प्रदर्शन किस तरह से तेज हो गया है, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह से लोग इकट्ठा होना शुरू हुए थे और यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए 163 भी लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी लोग रुकने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी इसी बात को लेकर कि आखिर अवैध निर्माण पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शिमला में प्रदर्शन की, और ये दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे टनल के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भीड़ लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाए, लेकिन लोग देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ करके मस्जिद की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टनल के पास की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरह से लोग यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा आप लोग को। हम जाके रहेंगे, ये सरकार हमसे गलत कर रही है। हम अंदर जाके रहेंगे, मस्जिद तोड़वा के रहेंगे। मस्जिद तोड़वाएंगे? बिल्कुल तोड़वाएंगे। अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा कहीं भी हो। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महिला यहाँ पे पहुंची हुई है। भीड़ पूरी तरह से उग्र होती चली जा रही है, क्योंकि ये टनल से देखिए आगे जो है मस्जिद की ओर ये रास्ता जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं ढली टनल से, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये रास्ता मस्जिद की ओर जाता है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महिला पुलिस भी यहाँ पे मौके पर है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अंदर जा, हम अंदर जाएंगे और हलाल में जाएंगे। पुलिस का अपना काम है, लेकिन हमारा भी अपना काम है। बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, देखिए देखिए विजुअल को कहूंगी मैं, अपने पीछे से कहूंगी इस विजुअल को दिखाइए, इस विजुअल को दिखाइए इरफान, इस विजुअल को दिखाइए, इस क्राउड को दिखाइए। देखिए लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है और पुलिस अभी खड़साइड हो चुकी है, क्योंकि भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं लगातार लोगों की तरफ। जय श्री राम। ये पुलिस प्रशासन हमारे को क्यों रोक रहा है? ये कोई इसके बारे में कोई ये दिक्कत है कोई? हमारे को जाने दिया जाए आगे? ये कोई कानून का ये कोई यो है या कोई राजनीतिक खेल है? देखिए आपको फिर से ये तस्वीर दिखाएंगे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं संजौली के बाजार से, यहाँ पे ढली टनल से ये बस टनल का फासला है और आगे मस्जिद की ओर जाते हैं। देखिए किस तरह से रस्सी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को रस्सी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस देखिए जो महिला पुलिस है वो साइड हो गई है, लेकिन लगातार भीड़ पूरी तरह से यहाँ पे उग्र होती चली जा रही है। लोगों का यही कहना है कि किसी भी अंदर ज्यादा होगा। यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश हो रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को पहले से ही पता था कि ये किस तरह से देखिए लोगों का भीड़, लोगों का गुस्सा यहाँ पे फूटने वाला है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग तोड़िए, देखिए एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। चार बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिसमें से एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। अब ये सारे लोग जो है वो मस्जिद की ओर जा रहे हैं। एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और तीन बैरिकेडिंग है, लगातार उसे तोड़ने की कवायद हो रही है। लगातार इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये आगे मस्जिद की ओर बढ़े, लगातार उनकी तरफ से जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और आगे मस्जिद की ओर बढ़ती चली जा रही है। एक बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, चार बैरिकेडिंग थे जिसमें से एक को तोड़ दिया गया है, तीन बैरिकेडिंग अभी भी है, लेकिन जिस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है उसी के ऊपर आगे आह्वान कर रहे और भी लोगों से और मस्जिद की ओर बढ़े। जीतेंगे हम, जीतेंगे जीतेंगे हम, जीतेंगे मस्जिद की ओर जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए आप हमारा जोश, अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे। पुलिस आगे, यहाँ पे पुलिस की भारी चौकसी, आगे जाने नहीं दे रही। कोई बात नहीं, हम तोड़ दिया आप लोगों ने। बिल्कुल हमने तोड़ दिया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एसपी ने कहा कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, सख्त कार्रवाई होगी। अपने हक के लिए लड़ना अगर गलत बात हो तो मैम फिर प्रशासन तो फिर हाथ में चूड़िया बांध के बैठ जाए। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी के द्वारा बुलाई गई प्रोटेस्ट है। क्या मैम? कांग्रेस कह रही है बीजेपी के द्वारा बुलाई गई प्रोटेस्ट। बिल्कुल नहीं, ये सारे हिंदू की लड़ाई है, इसमें आम जनता आई है प्रोटेस्ट। और एक बार फिर से बीजेपी को कहूंगी, इरफान इस क्राउड को दिखाइए, इस तस्वीर को दिखाइए इरफान, किस तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। जितनी भी बैरिकेडिंग थी सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। एक बार फिर से बीजेपी को कहूंगी इस क्राउड को दिखाइए, देखिए लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे फूटा है। और एक बार कहूंगी इस क्राउड को दिखाइए कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कोमल वहां से तस्वीर दिखा रही हैं आपको कि कैसे बैरिकेडिंग तोड़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले कोशिश की गई कि एक बैरिकेडिंग को तोड़ा जाए, चार लेयर की सिक्योरिटी वहां की गई थी। और ये बता रही हैं कोमल की जो टनल है इसको क्रॉस करने के बाद ही वो मस्जिद आ जाती है, जिसको लेकर नाराजगी है और उसी पर लोग वहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये लोग लगातार जो पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आप देख रहे हैं कैसे टनल सर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो टनल जो सीधे उस मस्जिद के पास जाती है जिसे इलीगल बताया जा रहा है, और वहां पर पहुंचने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी लगातार कह रही हैं कि आज हम रुकेंगे नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार कह रहा है कि लोगों को रुकना होगा, माहौल नियंत्रण में रहे, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए लोगों को समझना होगा, हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, ये प्रशासन की लापरवाही है, जो इतना बड़ा निर्माण हो जाता है लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करता है। आज से नहीं बल्कि लंबे समय से निर्माण है, पहले इसके प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं गया, इस ओर क्यों नहीं फोकस किया गया कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है। अब मामला कोर्ट में है, लेकिन ये लोग यहाँ पे पूरी तरह से उग्र हो गए हैं, इस बैरिकेडिंग पर चढ़ करके लोग जा रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ के अब आगे गली टनल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पीछे से कहेंगे एक बार इस तस्वीर को दिखाए, देखिए पर उतारने के लिए आयोजित होने वाले इस समारोह के प्रति उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, वो ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पस्ती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर,
सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ईआरएम, क्वेलकॉम, एनएक्सपी, कैंडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन का मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीति है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। निवेशकों की सहायता के लिए 100 उद्यमी मित्र तैनात किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बेहतरीन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था आज उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मचे घमासान की। ये घमासान क्यों हो रहा है, क्यों हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे।
तो शिमला के संजौली में हिंदू संगठन आज